हेलो एंड वेलकम टू E24। आपके साथ मैं हूं नम्रता शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं दे दे प्यार दे की पूरी स्टारकास्ट, तब्बू, अजय देवगन और रकुल प्रीत। वेलकम टू E24। थैंक यू सो मच। अजय सर, पहले तो मैं चाहूंगी, ये जो पोस्टर आपके पीछे है आप ही की फिल्म का, दो इतनी खूबसूरत लेडीज आपके साइड में, ये आपके एक्सप्रेशन क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेशन वही कह रहे हैं जो किसी भी इंसान की हालत होगी जब दो होंगी उनके पास। लेकिन अंदर तो मन में लड्डू फूटे हैं कि नहीं? नहीं, शुरू शुरू में फूटते हैं, बाद में फिर लगते हैं, फट जाते हैं। अच्छा रकुल, फिल्म में आपने, मतलब कह सकते हैं रियल लाइफ में आपने 50 साल के आशीष के साथ इश्क फरमा लिया, रियल लाइफ में किस तरीके से मानती हैं कि क्या ये एक्चुअल में वर्क करता है? मतलब आपका अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँ कि क्या एक्चुअल में ये वर्क करता है अगर इस तरीके से हो तो? आई थिंक एज सिर्फ एक नंबर है, और अगर दो लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे के साथ खुश हैं तो ऑब्वियसली वर्क करता है। कई बार सेम एज के रिलेशनशिप्स भी वर्क नहीं करते, और ज़्यादातर नहीं करते। सो अगर ऐसे कोई अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स हैं तो जाहिर सी बात है वो इसलिए हैं क्योंकि उन दोनों की वेवलेंथ मैच करती है, दिमागी उम्र सेम होती है। दिमागी उम्र सेम होती है, यानी दिल तो बच्चा है जी, या तो दिल बच्चा है या तो लड़की बड़ी है दिमाग से। बिल्कुल। अच्छा, फिल्म 17 मई को आ रही है वैसे, लेकिन 16 मई की शाम को ही रिलीज की जा रही है, उसके पीछे क्या रीजन है? ये तो काफी फिल्में की जाती हैं, आई थिंक थर्सडे इवनिंग के शोज तो काफी ये पेड प्रीव्यूज। हां, आई मीन 90% फिल्मों के होते हैं। अब ये सीनियर एक्टर्स थे तो सीनियरिटी दिखी? नहीं, सीनियरिटी नहीं दिखी, एंड विच वॉज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि इसीलिए काम करना बहुत आसान हो गया। कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि स्टार पावर या एरोगेंस, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसे ही थे सेट पे सब लोग, और बहुत मज़ा आया काम करके। अच्छा, एक फिल्म से हटके एक सवाल, अंधाधुन को लेकर सुनने में आ रहा है कि सोसाइटी के बच्चे आपसे डरे डरे घूम रहे हैं। हाँ यार, मेरे कई नेबर्स भी ना जो मुझे लिफ्ट में मिला करते थे एवरी डे, तो मुझे एक लड़की ने मैसेज किया, मतलब माई एज ओनली, तो आई एम नेवर गेटिंग इन टू द लिफ्ट विथ यू एवर अगेन, तो मुझे अवॉइड करने लगी है। मतलब ऑफकोर्स शी वॉज जोकिंग अबाउट इट, बट या कई लोग डरने लगे थे मुझसे उसके बाद। अच्छा, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आपसे भी जानना चाहूँगी। लव रंजन की अपकमिंग फिल्म आ रही है जिसमें आप और रणबीर कपूर हैं। इससे पहले मेरी फिल्म बहुत लंबा लाइनअप है, तानाजी है, चाणक्य है, एक स्पोर्ट्स पे फिल्म है, और एक फिल्म है भुज। ओके, और ये जो जिस फिल्म के बारे में मैं जिक्र कर रही थी, लव रंजन की नेक्स्ट फिल्म, इसमें सुनने में आ रहा है कि मैम हो सकती हैं और दीपिका पादुकोण हो सकती हैं। आई थिंक आप लव रंजन को फोन कीजिए, वो आपको बता देंगे, आपके साथ हमको बताया नहीं उन्होंने, तो आप उनसे पता कर लीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन अभय के साथ नम्रता शर्मा, E24 दिल्ली।